नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों जी हां दोस्तों, सभी चाहते हैं कि हम एक मिनट में खूबसूरत दिखें, और वो कैसे हो सकता है, वो भी घरेलू नुस्खों के साथ। दोस्तों तो इसके लिए हमने कुछ खास औषधियों को ढूंढा है दोस्तों, जो आपके हेल्थ के लिए यानी कि स्किन की हेल्थ के लिए बेहद ही लाभकारी होंगे। दोस्तों आप कहीं भी पार्टी में या किसी भी समारोह में जाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि हर जगह आपके सुंदरता के लोग कायल हों यानी कि आपको देखना पसंद करें दोस्तों, तो इसके लिए क्या क्या बेस्ट तरीके हैं और वो आपके घर में उपलब्ध हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, आप नींबू के जूस में दोस्तों शहद मिलाइए और उसे अपने फेस पर लगा लीजिए। इसके बाद जब वो सूख जाए तो 15 से 20 मिनट बाद उसको धो लीजिए। लेकिन इससे पहले ध्यान रखें कि नींबू के रस और शहद को एक में अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसे स्किन पे लगाएं। इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद या यूं कहें आधे घंटे बाद जब सूख जाए तो उसे धो लें, आपकी स्किन बिल्कुल चमकदार हो जाएगी दोस्तों। अब अगला हम नुस्खा बता रहे हैं दोस्तों स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, दूध और केला। जी हाँ दोस्तों, दूध और केले का मिश्रण स्किन के लिए बेहद लाभकारी होता है दोस्तों। बस करना क्या है आपको कि केले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और उसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे फेस पर लगा लीजिए दोस्तों, फिर वहीं आप सूखने तक का वेट कीजिए। जब वो सूख जाए तो 30 मिनट में लगभग फेस को अच्छे ढंग से वॉश कर लीजिए, आपकी स्किन बेहद हेल्दी और चमकीली हो जाएगी दोस्तों। अगला नुस्खा दोस्तों कि हम कैसे अपनी स्किन को हेल्दी और चमकीला बना सकते हैं बेसन से। जी हाँ दोस्तों, वहीं बेसन को आप अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लीजिए दोस्तों, फिर स्किन पर लगा दीजिए, उसे सूखने दीजिए और आधे घंटे बाद लगभग 30 मिनट बाद उसे पानी से सॉफ्टली धो दीजिए, फिर इसके बाद आपकी स्किन बेहद ही ग्लोइंग हो जाएगी दोस्तों। तो आज आपने देखा किस प्रकार से इन घरेलू नुस्खों के द्वारा हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं दोस्तों। हम अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।